हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जिशान, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल गाइड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है लियोफ्लॉक्सासिन। दोस्तों, ये कार्य क्या करती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोक देती है और उसको ठीक करती है। ये वायरल इन्फेक्शन में कोई कार्य नहीं करती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में इसे काम नहीं करती है। ये दोस्तों, ये इसके यूज़ क्या है, इसके डोज क्या है, ड्रग्स इंजेक्शन क्या है, ड्रग्स इंजेक्शन में दो सेम टाइम पे लियोफ्लॉक्सासिन के टाइम कौन सी दवा नहीं लेना है, स्पेशल प्रिकॉशन इसमें कौन रोगी इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कभी आप लोग लियोफ्लॉक्सासिन में कभी यूज़ किया हो तो किस रोगों के लिए यूज़ किया है, कितने दिन तक यूज़ किया है, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, बताने जा रहा हूँ इसका मेडिकल यूज़ और साइड इफ़ेक्ट, इसका डोज। तो मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ कि किन किन बैक्टीरिया पर इसका यूज़ किया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका मेडिकल यूज़ क्या है, किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, ये निमोनिया में माइल्ड मॉडरेट सीवियर निमोनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे टीबी बोलते हैं। तीसरा है ब्रोंकाइटिस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइटिस दोस्तों होता है, ये सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग साउंड आता है, सीटी जैसे सीने से आवाज़ आना, ठंड लगना, बुखार आना सिम्टम है। चौथा है एक्यूट साइनोसाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में जैसे सेलुलाइटिस से, एब्सेस से, ऊन से, घाव में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, और भी अन्य बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, बुखार आना, इसको भी ठीक करती है। दोस्तों, ट्रेवल डायरिया में भी यूज़ किया जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके डोज, ये 10 mg पर के जी पर डे हिसाब दिया जाता है। ये 500 mg ओडी सिंगल डोज होता है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है, कुछ ब्रांड नेम बता देता हूँ, जैसे सिप्रा बनाती है लियोफ्लॉक्स, इसका 250 mg 500 mg बनाती है, लियोमाइन भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं। फिर दोस्तों आपको ड्रग्स इंजेक्शन बता देता हूँ और स्पेशल प्रिकॉशन बता देता हूँ। ड्रग्स इंजेक्शन दोस्तों ये होता है कि जब आप लियोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं तो उसके सेम टाइम पे ये ड्रग्स नहीं लेनी है, जैसे एंट्रासिड है और मल्टीविटामिन है, जिंक है। स्पेशल प्रिकॉशन ये है कि इन मरीजों को ये दवा नहीं यूज़ करनी चाहिए, अस्थमा के मरीज को, किडनी डिसफंक्शन जिसको, और इन लोगों को ये दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं और क्या इसके खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के प्रयोग से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, एब्डोमन पेन हो सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकते हैं, वर्टिगो हो सकते हैं, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। सीवियर साइड इफेक्ट में अर्टिकेरिया हो सकता है, लिप में स्वेलिंग हो सकते हैं, फेस में स्वेलिंग हो सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो तुरंत दवा को स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवा का प्रयोग ना करें।